फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, विलेज पौली, सरधना रोड, मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आइए नजर डालते हैं एक बड़ी खबर की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज एक बार फिर से आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन निरंकुश हो गया है, भाजपा कार्यकर्ताओं को ही पुलिस निशाना बना रही है। आज मेरठ के मंगल पांडे नगर में नाले के किनारे पड़े सोफा सेट को हटाने को लेकर विवाद हो गया। कई दिन से वहां टेंट के नीचे सोफे लगाए गए थे। मेडिकल थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और सोफे हटाने को कहा, जिस पर वहां विवाद हुआ। आरोप है कि पुलिस ने भाजपा ओबीसी मोर्चा के महानगर अध्यक्ष संजीव प्रधान के भतीजे के साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। एसएसपी की गैर मौजूदगी में एसपी क्राइम को दिए गए शिकायती पत्र में संजीव प्रधान ने पुलिस पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए कहा कि भतीजे द्वारा उनका परिचय दिया जाने के बावजूद दरोगा विष्णु ने उससे मारपीट की और जबरन चालान पर हस्ताक्षर करा लिए। उन्होंने दरोगा को निलंबित करने की मांग की। एसएसपी कार्यालय पर भाजपा नेता मनीष योगी ने जानकारी देते हुए यह बताया। मेरा नाम मनीष योगी है। आज का प्रकरण मंगल पांडे नगर में नाले के किनारे संजीव प्रधान जी की सोफा बनाने की फैक्ट्री है, उसमें उनका भतीजा खड़ा हुआ था। इधर से एसओ मेडिकल और उनके साथ विष्णु दरोगा जी आए और उन्होंने सोफा हटाने के लिए बात रखी। उन्होंने कहा मैं सोफा हटा दूँगा, लेकिन उन्होंने इतना कहते उस पर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसकी सामने से उसकी शर्ट थी, शर्ट का फाड़ भी दी और फाड़ करके उसके हाथ झटक दिया, माँ बहन की गाली दी और संजीव प्रधान की नेम प्लेट लगी हुई थी महानगर के अध्यक्ष की, ओबीसी मोर्चे की। तो उस ओबीसी मोर्चे के महानाध्यक्ष का, महानाध्यक्ष हमारा क्या कर लेगा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो क्या कर लेगा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमारा। तो इस प्रकार से कहकर जबरदस्ती ये कागज़ पर साइन करा दिए। आज हम अपने यहाँ सीओ क्राइम एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने उनके सामने समस्या रखी है। उन्होंने विष्णु सन को लाइन हाजिर करने का हमसे वादा कर लिया है, लाइन हाजिर कर दिया है। प्रताप साहब के साइन थोड़ी देर में हो जाएंगे और एसओ साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज इतना प्रकरण हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल हठधर्मी पर उतरा हुआ है। पुलिस प्रशासन किसी की सही बात को भी नहीं मान रहा है। इस सही बात को नहीं मानेगा तो हम सब इकट्ठा होकर इसका विरोध करेंगे। वहीं आपको याद दिला दें कि दो दिन पहले ही भाजपा पार्षद गुलबीर सिंह के बेटे को पुलिस ने मारपीट कर थाने ले गई थी, जिस पर भाजपाइयों ने गंगानगर थाने पर हंगामा किया था। भाजपाई लगातार दरोगा को निलंबित करने की जिद पर अड़े थे। निलंबन के आश्वासन पर ही धरना समाप्त किया गया था। इसी रोज भाजपा नेता का चालान काटने पर भाजपाइयों ने चौकी इंचार्ज विमल सैनी के खिलाफ हंगामा किया। इस दौरान मौके पर मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता ऋतुराज ने क्या कहा था उसे भी देख लेते हैं। विमल सैनी आपका जो इंचार्ज है, उसने पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की है। उन्होंने यहाँ पर फोन किया, जो इस हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं नरेश गुप्ता जी, उनको फोन किया। नरेश गुप्ता जी यहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने कहा उनसे, उन्हें समझाया कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और इसके पास सभी चीज़ें हैं। लेकिन वो उनसे भी जो है अकड़ के बोलने लगे, इनसे भी उन्होंने दुनिया भर की गलत बातें की। उसके पश्चात सब कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए और सब कार्यकर्ता, ये जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, हम देखिए पुलिस फोर्स की पूरी इज्जत करते हैं, उनका पूरा मान सम्मान करते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके से जनता का या भारतीय जनता पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया जाएगा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो उसे किसी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।